मैं डॉक्टर सीलू श्रीवास्तव आज आप लोगों को पीपीआर के बारे में बताएंगे कि पीपीआर क्या होता है और ये किस मौसम में ज़्यादा फैलता है और इससे प्रभावित पशु जो होता है वो किस तरह के लक्षण करता है इसके बारे में बताएंगे। तो पीपीआर एक गंभीर बीमारी होती है, ये जब भी मौसम बदलता है तो इससे भेड़ बकरी या कोई भी पशु इससे प्रभावित हो जाते हैं। और इसका जो लक्षण होता है इसमें जो है पशु को तेज बुखार आता है और पतला दस्त होता है, सांस लेने में उसके परेशानी होती है और कभी कभी जो है पतला खूनी दस्त भी आता है, ये सब होते हैं इसके लक्षण। तो इसका तो जो परमानेंट इलाज होता है वो है टीका। अगर आप टीका नहीं लगवाए हैं तो अगर दवा लेते हैं तो उसका दवा बड़ा ही महंगा आता है और कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी नहीं भी ठीक होता है। तो इससे दवा से कोई वो नहीं है, कभी कभी सही हो जाता है। इसमें चार इंजेक्शन आते हैं, टीएनसी फोल्ट आता है और जेडिक आता है, इंड्रोशिन आता है और एक एबिल लगाते हैं, दो आगे लगाते हैं और दो पीछे लगाते हैं। इस तरह से एक दिन लगाए, फिर एक दिन के बाद दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन, एक दिन का अंतर करके फिर तीसरे दिन लगाते हैं। ऐसे ही सही दो तीन दिन इसका इंजेक्शन लगता है और जितनी की बकरी नहीं रहती है उससे ज़्यादा आपका खर्चा लग जाता है। तो इसलिए दवा के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इसका टीका लगता है फरवरी और मार्च के महीने में, इसका टीका लगवा देना चाहिए। एक एमएल टीका आता है और आपकी बकरी साल डेढ़ साल के लिए, दो साल के लिए सुरक्षित हो जाती है। तो इसलिए जो है इसका टीका ज़रूर लगवा देना चाहिए। और इसमें जो हमने बताया जेडिक या इंड्रोसिन या एबिल या ये टीएनसी फोर्ट, इसमें मात्रा भी रहता है, कोई 3 ml लगता है, 2 ml लगता है, 1 ml लगता है। तो कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी नहीं भी, अगर तेज रहता है तो नहीं सही होता। वैसे इस चार इंजेक्शन से और एक दिन के अंतराल में लगाते हैं तो सही ही हो जाता है। तो इस पर ज़्यादा नहीं जाना है आपको, हर एक बकरी को गाँव में या कस्बे में या मोहल्ले में जो भी लगे वो पूरी बकरी को लगे, क्योंकि जैसे बाढ़ का पानी होता है और बांध तोड़ करके आता है और सारा फैला देता है चारों तरफ, वैसे ही ये बीमारी होती है। जब भी एक गांव में घुसती है तो वो हर तरफ के बकरी को प्रभावित करती है। और इसमें क्या होता है, अगर एक दो बकरी को लगा है, दो एक बकरी को नहीं लगा है, तो कुछ दिन के बाद वो भी उसके संपर्क में आएंगे और सारी बकरियों को ये फैलेगा। इसलिए जब भी लगवाएं, पूरा जितनी भी बकरी हैं आपके गांव में वो हर एक बकरी को टीकाकरण या वैक्सीनेशन होना चाहिए, तब इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है।